हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है सीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं किशी गुप्ता और मैं हनुमान जागीर। तो आज हम इस कंटिन्यू गुणमिति की सीरीज में लेके आए सॉल्यूशन वन। सॉल्यूशन चैप्टर के एक्चुअली हमने टू पार्ट किए हैं। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे हेनरी लॉ की, बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स की, बात करेंगे वेपर प्रेशर की, बात करेंगे और कोलिग्री प्रॉपर्टी हम लेंगे आरएलवीपी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब सर सेकंड पार्ट में अपन ऑस्मोटिक प्रेशर और एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को मेनली डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सर, क्वेश्चन नंबर 1 से तो पढ़ते हैं सर। 1 कह रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास ऑफ प्योर एनिमल्स इन ईच ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन। प्रत्येक जलीय विलयन में शुद्ध NaOH के भार का घटता हुआ सही क्रम यानी वेट निकालना है NaOH का। तो देखो फर्स्ट है 50 ग्राम ऑफ 40% वेट बाय वेट एनिवर्स। तो देखो वेट बाय वेट का मीनिंग है कि 100 ग्राम में 40 ग्राम एनिवर्स है। बिल्कुल सर। अब यहाँ पे 50 ग्राम है तो 50 में 20 सिंपल सिमेंट लगा देते हैं, 50 ग्राम में 20 ग्राम हो जाएगा। ये जितने भी परसेंटेज है सर वो 100 ग्राम सोल्यूशन के ऊपर डिफाइन होता है। तो फर्स्ट का मास है 20 ग्राम। सेकंड बात करें तो 50 ml ऑफ 50% वेट बाय वॉल्यूम, इट मींस क्या हुआ वेट बाय वॉल्यूम के होता क्या है कि 100 ml में 50 ग्राम आपको गिवन है। तो देखो बात करें मोलरिटी, तो मोलरिटी क्या होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट यहाँ पे होगा NaOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो NaOH का वेट निकालने से पहले हम NaOH के यहां से मोल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मोल्स ऑफ NaOH विल बी इक्वल टू मोलैरिटी, कितनी वैल्यू है 15 इनटू, बात करें वॉल्यूम की। अब वॉल्यूम का जो डेटा है डायरेक्टली हमें गिवन नहीं है, हमें क्या दिया हुआ है यहां पे सॉल्यूशन की डेंसिटी है, क्या है डेंसिटी, ठीक है। और सॉल्यूशन का मास कितना है 50 ग्राम। तो हमें पता है डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, हमें चाहिए वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। तो मास की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 50 ग्राम, डेंसिटी गिवन है 1 ग्राम पर ml, ठीक है। अगर यूनिट की बात करें तो दिस इज ग्राम एंड दिस इज ग्राम पर एम, ठीक है। नहीं ये वॉल्यूम फाइनली आएगा ml में और मोलरिटी में जो वॉल्यूम लेते हैं वॉल्यूम लेते हैं लीटर में, इट मींस 50 ml आ गया और 50 ml को हम यहाँ से लीटर में चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 15, तो अपना पहले से क्या था मोलरिटी, वॉल्यूम है 50 into 10^-3, क्लियर। ये क्या किया हमने लीटर में चेंज कर लिया, तो यहां से मोल आ गए और मोल से हमें क्या निकालना है मास, मास निकालना, क्या करेंगे सिंपल इसको मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो NaOH का मोलर मास होता 40, तो क्या होगा 50 × 40 × 10^-3, तो देखो ये देखो 30 ग्राम आ जाएगा, 5 × 4 बिल्कुल ही 30 ग्राम हो जाएगा। तो फर्स्ट का मास 20 ग्राम, सेकंड 25 ग्राम एंड थर्ड 30 ग्राम, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। तो मैक्सिमम आपका थर्ड है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 तो इनकरेक्ट है, सेकंड में थर्ड मैक्सिमम, फिर सेकंड फिर फर्स्ट, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है सर, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 93% H2SO4 वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है। द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.84 ग्राम पर ml। देखिए सर कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं मोस्ट ऑफ द केस में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बिल्कुल। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा टेंपरेचर डिपेंडेंट है या नहीं है, वो आगे अभी ये क्वेश्चन भी अपन ने दे रखा है वो भी कवर किया है। बिल्कुल। एक क्वेश्चन तो ये आता है टेंपरेचर डिपेंडेंट है या नहीं है, तो टेंपरेचर डिपेंडेंट वो कंसंट्रेशन टर्म्स होती है जिसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड जो होता है वो सीधा फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम आता है, जो डायरेक्ट प्रॉब्लम होती है। थर्ड प्रॉब्लम आती है इंटर कन्वर्जन करने की, ये प्रॉब्लम थर्ड नंबर टाइप की है, इंटर कन्वर्जन करना है इसमें। इसमें आपको गिवन जो है वेट बाय वॉल्यूम इसको अपन को मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है। तो इस जैसे भी इंटर कन्वर्जन वाले कोई भी क्वेश्चन आए तो आप तो बेसिक डेफिनेशन से सोचें, ये W बाय V दे रखा है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर आपने 100 ml सॉल्यूशन रखा तो उसमें 93 ग्राम जो होगा
वो H2SO4 हो जाएगा सर। मेरे को अगर मोलेरिटी कैलकुलेट करनी है तो मैं मोलेरिटी का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी ये होता है सर। बिल्कुल, मोल मेरे पास आ गया है सर क्योंकि मेरे पास सॉल्यूट का मास आ गया है, तो मोल आ जाएगा 93 डिवाइड बाई इसका मोलर मास 90। अब मेरे को अल्टीमेटली चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। बिल्कुल, मेरे को डेंसिटी दे रखी है तो D is equal to होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी 1.8 है, वॉल्यूम 100 है, तो 184 ग्राम आ जाएगा। बिल्कुल, ये आ गया मास ऑफ द सॉल्यूशन। मास ऑफ द सॉल्वेंट जो आएगा वो हो जाएगा मास ऑफ द सॉल्यूशन 184 माइनस मास ऑफ द सॉल्यूट दैट इज द 93, ये हो जाएगा 91 ग्राम। बिल्कुल सर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, m is equal to 93 upon 98 upon ये हो गया 91, ये ग्राम में है, मेरे को किलोग्राम में रखना है, ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई हो गया। बिल्कुल, ये बन गया सर 93 into 1000 upon 98 into 91, ये आ गया सर। अब यहाँ पे देखना सर, ऑप्शन का थोड़ा बहुत हेल्प भी ले सकते हैं, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कैंसिल आउट होने वाला है। बिल्कुल, तो आंसर जो आएगा वो 10 से ज्यादा तो आएगा, ये तो कंफर्म है। बिल्कुल, 11 कंफर्म आना नहीं है और 10 से ज्यादा आएगा, तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन नहीं होंगे। अब अगर अपन इसको सॉल्व कर ले, अब अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा डेटा को ध्यान रखते हुए, तो आंसर आएगा 10.4 आएगा, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, 20 ml ऑफ 0.2 ml एल्युमिनियम सल्फेट इज मिक्स्ड विद 20 ml of 0.6.6 barium chloride solution. The concentration of Cl minus. अब term यहाँ पे देखें, तो molarity है, यानी हमें ultimately करना क्या है? Cl minus chloride ion की molarity हमें ज्ञात करनी है। बिल्कुल। तो देखो basic concept formula पता है हमें, molarity होती क्या है? Molarity of chloride ion क्या होगा? Moles of chloride ion upon total volume of solution. बिल्कुल। ठीक है? तो हम बात करें, aluminium sulphate में कोई chloride ion नहीं है। ठीक है, इसमें है बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में है। अब 1 मोल ऑफ BaCl2 कंटेंट 2 मोल ऑफ Cl माइनस, दैट्स व्हाई अपन सब BaCl2 को अगर अपन ब्रेक करेंगे ना, बिल्कुल ब्रेक करते हैं, ये आयोनिक कंपाउंड है, तो ये बेरियम 2+ बनाएगा प्लस 2 टाइम Cl माइनस बनाएगा। ठीक है, इट मींस इसके 1 मोल में Cl माइनस के 2 2 मोल हो जाएंगे। तो मोल्स क्या होता है, जैसे यही से हम देखें, मोलरिटी हो गया मोल अपॉन वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल क्या हो गया, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, क्या हो गया, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो मोल्स ऑफ Cl- की बात करें तो मोलरिटी कितनी है, 6.6 है, और यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करना है कि सर ये एक BaCl2 जो है ना वो 2 Cl देगा, 2 Cl। हां ठीक है, और वॉल्यूम की बात करें तो एक बार हम ml ले लेते हैं, 20 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, 6.6 आ गया। तो ये मिक्सिंग का क्वेश्चन था कि मिक्सिंग की मोलरिटी क्या होगी, मिक्सिंग की नॉर्मलिटी क्या होगी। बिल्कुल सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4, ये क्वेश्चन आ गया जो अपन अभी बात कर रहे थे कि टेंपरेचर के ऊपर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। इन व्हिच मोड ऑफ एक्सप्रेशन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रिमेंस इंडिपेंडेंट, बोल रहा है सर, इंडिपेंडेंट बोल रहा है, तो ऐसी कंसंट्रेशन टर्म्स आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसमें वॉल्यूम टर्म्स इन्वॉल्व नहीं। मोलारिटी की अगर अपन बात करें तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या वॉल्यूम आ गया, इसका मतलब कि टेंपरेचर डिपेंडेंट है। टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेंपरेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और टेंपरेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वैल्यू ऑफ मोलारिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। नॉर्मेलिटी की बात करें तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर हिंदी में बात करें तो ग्राम तुल्यांक की संख्या अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वापस यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आया, इसका मतलब ये भी डिपेंड करेगा, बिल्कुल सेम इफेक्ट आएगा सेम। थर्ड दे रखा है फॉर्मेलिटी,
फॉर्मेलिटी जो होती है वो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्यूट आयोनिक कंपाउंड के लिए डिफाइन होता है अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। यहां पे भी वॉल्यूम आ गया, अब यहां पे भी वॉल्यूम आएगा, इसका मतलब फॉर्मूले की भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। बिल्कुल। लास्ट बात करते हैं मोलेरिटी, ये अभी अपन ने लिखा था नंबर ऑफ मोल्स होगा सॉल्यूट का अपॉन इसमें वॉल्यूम नहीं आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा, इसमें वेट आएगा या मास आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन मास टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता नहीं है। चलेगा नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि मोलेरिटी जो होगी वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। करेक्ट आंसर आपका फोर्थ। और जेई में ये क्वेश्चन आ चुका है, नीट में भी आया, सब 2017 का क्वेश्चन है, इसमें भी आ चुका है, दोनों में आ चुका है। बिल्कुल। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर डिफरेंट गैसेस द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हेनरी कांस्टेंट केएच। केएच की हम बात करें तो हेनरी लॉ क्या कहता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी गैस कोई भी लिक्विड है तो लिक्विड में हमें क्या करनी है, गैस डिजोल्व करनी। बिल्कुल। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस। प्रेशर गैस जितना प्रेशर अप्लाई करेगी उतना क्या होगी, डिजोल्व होगी। तो हेनरी लॉ होता क्या है, पी इक्वल टू पी गैस इक्वल टू केएच इनटू एक्स। आप देख गैस के लिए है तो सिंपल जवाब, गैस का प्रेशर लेंगे, प्रेशर ऑफ गैस, जो गैस हम डिजोल्व कर रहे हैं ये उसका प्रेशर, और ये मोल फ्रैक्शन गैस की इन सॉल्यूशन, और ये जो एक्स है वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, और केएच यहां पे हेनरी कॉन्स्टेंट, हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट। तो अगर केएच की बात करें तो केएच इक्वल टू होगा प्रेशर ऑफ गैस अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। अब हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। तो नंबर वन कह रहा है हायर द वैल्यू ऑफ केएच एट ए गिवन प्रेशर हायर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो गिवन प्रेशर में प्रेशर आपका कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और क्या कह रहा है, केएच की वैल्यू ज्यादा होगी तो देखो सिंपल सी बात है, दोनों क्या है इनवर्सली, केएच की वैल्यू ज्यादा होगी तो गैस की मोल फ्रैक्शन कम है, इट मींस गैस डिजोल्व कम हो, कम हो, यानी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। वो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ज्यादा है, गलत है। समझना नंबर वन जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। बात करें सेकंड की, हायर द वैल्यू ऑफ केएच एट ए गिवन प्रेशर लोअर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों क्या इनवर्सली है, बिल्कुल। तो सेकंड स्टेटमेंट अपना करेक्ट है और ये सत्य ही पूछ रहा है, बट हम बात थ्री और फोर की भी करेंगे। थर्ड क्या कह रहा है, KH गैस की प्रकृति का फलन नहीं है, KH is not a function of nature of gas। तो देखो बेटा KH डिपेंड कर रहा है किस पे, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ गैस पे, और अलग अलग गैस के लिए KH की वैल्यू क्या होती है, अलग 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 होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग है, रॉन्ग हो गया। फोर्थ है KH वैल्यू फॉर ऑल गैसेस इन द सेम एट ए गिवन प्रेशर। तो देखो ये सेम आगे सर, ये अलग अलग आएगा, अलग अलग आएगा, बिल्कुल। आपका फोर्थ भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, सेकंड हो गया। ये हेनरी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है सर। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर इज 10^5 एटीएम, पीएच की वैल्यू दे रखी है। बिल्कुल। द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर, ये एयर में दे रखी है, गलती यहां पे ये हो जाती है, अपन इसको गैस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन कंसीडर कर लेते हैं, गलत हो जाएगा, ये जबकि एयर में दे रखा है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर dissolve in 10 moles of water at 5 atmospheric pressure। तो मेरे को सबसे पहले pressure of the gas calculate करना पड़ेगा। बिल्कुल। formula Boulton's law partial pressure में apply कर रहा हूँ सर। बिल्कुल। यहाँ से pressure of N2 जो होगा atmosphere में total pressure into mole fraction of N2 in air की बात करूँगा। बिल्कुल। total pressure मेरे को दे रखा है यहाँ पे 5 atm, mole fraction दे रखी है 0.8, it means 4 atm जो आ गया वो टोटल प्रेशर आ गया, ये का एयर का प्रेशर आ गया, ये नाइट्रोजन का एयर में प्रेशर है। बिल्कुल। अब अगर अपन हेनरी लॉ अप्लाई करें तो प्रेशर ऑफ N2 गैस इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन सॉल्यूशन। बिल्कुल सर। अब यहां पे N2 प्रेशर अप्लाई कर रहा है 4 atm का, तो हम वैल्यू वैल्यू पुट करें सर, 4 atm 4 इक्वल टू KH की वैल्यू दे रखी है 10^5, और यूनिट देखो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, एक बार ये चेक कर लें, क्योंकि कई बार ये भी गलती के चांस होते हैं। बिल्कुल। KH की यूनिट डिफरेंट होगी, P की डिफरेंट होगी, तो देखो मामला बैठेगा नहीं, इसलिए क्या होगा दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, क्योंकि X क्या है इसमें यूनिटलेस, X क्या है मोल फ्रैक्शन, जो क्या होता है यूनिटलेस होगा। तो यहां पे 4 की यूनिट भी एटीएम है और ये भी एटीएम में। बिल्कुल। और यहां से हम क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होती है, मोल्स ऑफ O2 जो हमें कैलकुलेट करने हैं, अपॉन क्या आएंगे टोटल टोटल मोल्स, तो मोल्स ऑफ
एन टू प्लस मोल्स ऑफ वॉटर, और वॉटर के मोल अपने कितने की बन है? 10 की बन है। तो देखो यहां से क्या होगा, मोल्स ऑफ एन टू अपॉन मोल्स ऑफ एन टू प्लस 10, ये वैल्यू आ गई 4 × 10⁻⁵। अब देखो ये वैल्यू बहुत कम है, बहुत कम है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन टू बहुत कम होगा, बहुत कम है। तो 10 के कंपेयर में इसको हम क्या कर सकते हैं? नेगलिजिबल। इसको पूरे को कभी जीरो मत कर देना, नहीं तो आंसर इक्वेशन खत्म हो जाएगा। 10 के कंपेयर में आपको जीरो करना है, ठीक है? तो यहां से क्या हो जाएगा, नेगलिजिबल हो जाएगा, और तो मोल्स ऑफ एन टू आपके आ जाएंगे 4 × 10⁻⁵ इंटू 10, मीन्स फाइनल आंसर क्या आ गया, 4 × 10⁻⁴। ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो बेटा इसमें समझने की क्या बात है कि जो गैस डिजोल्व हो रही है आपको प्रेशर उसी का कंसिडर करना है। टोटल प्रेशर एयर में बहुत सारी गैस होती है, सबका एक साथ एड नहीं करना है, सबका प्रेशर नहीं लेना। नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रखा है सर, मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ हीलियम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्लॉटेड अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हेनरी कांस्टेंट फॉर दीज गैसेस विल लाई इन द फॉलोइंग सीक्वेंस सॉल्युबिलिटी। ये बोला सर ये सॉल्युबिलिटी और पार्शियल प्रेशर का ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, और ओ टू एन टू और हीलियम के लिए अपन को बोला हेनरी कांस्टेंट इनके लिए क्या ऑर्डर आएगा। तो अगर अपन एक बात करें कि अभी अपन ने लिखा था प्रेशर ऑफ द गैस जो होगा वो KH into X of the गैस होगा, बिल्कुल अभी हमने बात की इसके बारे में, बिल्कुल ये वही हो गया सब जैसे अपन ने गैसेस स्टेट में क्वेश्चन किए थे, तो उसी टाइप का अगर मेरे को KH लेके आना तो या तो X को कांस्टेंट करे या फिर प्रेशर को कांस्टेंट करे। यहाँ पे X का मतलब सॉल्युबिलिटी हो जाएगा एक तरीके से, बिल्कुल मैं सॉल्युबिलिटी यहाँ पे प्रेशर को जो है वो कांस्टेंट रखता हूँ। प्रेशर को कांस्टेंट रखने का तरीका एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जाए, यहाँ बिल्कुल कर देते हैं सर, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है इसका मतलब ये हट गया, बिल्कुल हट गया। अब जब x गैस ज्यादा होगा उस कंडीशन में KH की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, बहुत हार इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अभी हमने तो बात की, बिल्कुल। अब O2 का सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है इसका मतलब इसका KH सबसे कम होना चाहिए, फिर N2 का और हीलियम का प्रेशर सॉरी सॉल्युबिलिटी सबसे कम है इसका मतलब इसका KH सबसे ज्यादा, तो ऑर्डर आएगा O2 सबसे कम, फिर N2 और फिर हीलियम, तो हीलियम मैक्सिमम सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। एट हायर एल्टीट्यूड्स वाटर बॉइल्स एट टेंपरेचर लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, अधिक ऊंचाई पर जल 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबलता है। तो देखो ये क्वेश्चन से हम समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जनरल अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो क्या होगा, द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉइल्स, जिस तापमान पर जल उबलता है वो क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। बट हम इसको रिलेट करेंगे किससे, वेपर प्रेशर से। तो ये होता क्या है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम इक्वल टू आउटर प्रेशर, एक्सटर्नल एटमोस्फेरिक प्रेशर बोल सकते हैं, हां एक्सटर्नल जो प्रेशर लग रहा हो, ठीक है, ये जिस टेंपरेचर में दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए वही क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। अब जब हम हाइट पे जाएंगे तो प्रेशर कम होगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा, आउटर प्रेशर कम होगा हाइट पे जा रहे हैं तो, बिल्कुल। अब आउटर प्रेशर कम होगा तो बॉइल करने के लिए ये बॉइल कम होगा जब ये इसके इक्वल हो, इट मींस ये वाला भी कम होगा तभी दोनों का इक्विलिब्रियम आएगा, तभी होगा बॉइल, बिल्कुल। और वेपर प्रेशर कम किस होगा, वेपर प्रेशर डिपेंड ऑनली टेंपरेचर, टेंपरेचर टेंपरेचर ज्यादा तो वेपर प्रेशर ज्यादा, कम होगा तो कम हो जाएगा, इट मींस यहां पे क्या होगा, टेंपरेचर कम होगा तो टेंपरेचर ही क्या था, बॉइलिंग पॉइंट था, पहले 100 था तो अब सर 100 से कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 से कम हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, टेंपरेचर ऑफ हायर एल्टीट्यूड इज लो, रीजन ये नहीं है, रीजन ये होगा इसका। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, हम बात करें तो ये भी तो पता है कि आउटर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो लो हो जाएगा, वो लो हो जाएगा, दैट्स व्हाई ये भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, सेकंड। थर्ड पढ़ते हैं, थर्ड क्या कह रहा है, द प्रोपोर्शन ऑफ हैवी वाटर इंक्रीज डी टू की, यहाँ कोई मैटर नहीं है, कोई बात नहीं हो रही, कोई लिंक ही नहीं है, एटमोस्फेरिक प्रेशर बिकम्स मोर, बिल्कुल गलत है, लेकिन मैंने क्या बोला ये क्या होता है इंक्रीज, आउटर प्रेशर डिक्रीज होता है एल्टीट्यूड पे, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड। नेक्स्ट कह रहा सर, इफ लिक्विड ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, अगर आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है तो ये बोला कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है।
सर सॉल्यूशन को अपन वेपर प्रेशर से रिलेटेड मीन्स एक आप ऑब्जर्व करते हो और एक अगर आप कैलकुलेटेड करते हो, कैलकुलेट करते हो मीन्स थ्योरेटिकल लेके आते हो या कैलकुलेटेड करके लेके आते हो, ये कैलकुलेट करके लेके आते हो आप राउंड स्लो से P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी। अब ये कंडीशन है कि एक तो आपने ऑब्जर्व कर लिया, एक आपने राउंड स्लो से कैलकुलेट कर लिया। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए मीन्स पी ऑब्जर्व इज इक्वल टू पी थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड, इसका मतलब ये हुआ कि राउट स्लो अप्लाई हो गया अभी भी। अगर राउट स्लो अप्लाई होता है इट मींस राउट स्लो इज अप्लाइड एप्लीकेबल, तो ऐसे सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन यानी हम कह सकते हैं कि राउट लो इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशन। अगर नहीं होता है p ऑब्जर्व इज नॉट इक्वल टू p कैलकुलेटेड, अगर ऐसा है उस कंडीशन में सॉल्यूशन को बोलेंगे नॉन आइडियल। नॉन आइडियल इसमें भी दो टाइप का होता है नॉन आइडियल में, एक पॉजिटिव डेविएशन है एक नेगेटिव डेविएशन। देखो दो टाइप का क्यों, मतलब ऑब्जर्व इसके इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं तो या तो ज्यादा होगा या कम होगा। कम होगा अगर ऑब्जर्व हो गया पॉजिटिव और बिल्कुल, अगर ऑब्जर्व की वैल्यू ज्यादा है तो वो पॉजिटिव डेविएशन वाला होगा और कम है तो वो नेगेटिव डेविएशन। वेपर प्रेशर जो होता है वो एक तो टेम्परेचर से अपन डिफाइन करते हैं मतलब फैक्टर अफेक्टिंग में, और एक ये हो सकता है वेपर प्रेशर को कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स क्या लग रहा है। यहाँ पे अगर आप कह रहे हो कि ऑब्जर्व हुई है जो राउल्स लॉ में एप्लीकेबल हो रहा है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो चेंज हुआ है। अब आप कह रहे हो पी ऑब्जर्व ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ होगा नया, और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नया क्या हो गया इंक्रीज। ये एक बेसिक थ्योरी है इससे रिलेटेड आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन से। अब अपन बात करते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है, एंथैल्पी और एंट्रोपी से रिलेटेड बात हुई है बेसिकली। एंथैल्पी जो होती है मिक्सिंग की आइडियल सॉल्यूशन के लिए वो होती है जीरो, डेल्टा एच होगा वो मिक्सिंग का होगा जीरो, फोर्स वहां पे चेंज नहीं हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज नहीं हुआ तो वहां पे ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी ना रिलीज होगी। दो सॉल्यूशन को मिलाओगे तो डेल्टा एस हमेशा क्या आएगा ग्रेटर देन जीरो। मिक्सिंग की एंट्रोपी ऑलवेज क्या होती है पॉजिटिव, इंक्रीज होती है पॉजिटिव। डेल्टा एच इक्वल टू जीरो, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा एस। अगर ये यहाँ पे अप्लाई करे तो जीरो माइनस ये आएगा, टेम्परेचर पॉजिटिव होना क्योंकि केल्विन में रखना है, केल्विन में ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, तो डेल्टा जी जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, यहाँ पे जीरो तो नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो, जीरो यानी फर्स्ट बिल्कुल इनकरेक्ट हो। सेकंड फ्री एनर्जी एज वेल एज एंट्रोपी ऑफ द मिक्सिंग आर ईच जीरो, एंट्रोपी जीरो नहीं है, फ्री एनर्जी भी जीरो नहीं, सेकंड हां फ्री एनर्जी भी जीरो नहीं है, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड करेक्ट करेक्ट है, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो रॉन्ग है, पॉजिटिव है, दिस इज आल्सो तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सर, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर डाइपोल डाइपोल एज द मेजर इंटरेक्शन प्रेजेंट, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण। तो डाइपोल डाइपोल फोर्स जहां जब भी बात आती है तो बात किसकी करेंगे हम, पोलर मॉलिक्यूल ध्रुवीय अणु की, किसकी बात करेंगे ध्रुवीय की, नॉन पोलर कभी कभी डाइपोल नहीं होगा, ठीक है वो क्या होगा अध्रुवीय होगा नॉन पोलर। बिल्कुल, तो बेंजीन की बात करें तो बेंजीन का डायपोल मोमेंट क्या होता है जीरो होता है, और डायपोल मोमेंट जीरो इट मींस क्या है नॉन पोलर है। बिल्कुल ठीक है, तो बेंजीन जहां भी आ गया वहां डायपोल डायपोल अट्रैक्शन लगेगा ही नहीं, तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो गया। और CCl4 के लिए भी क्या होगा, इसका भी डायपोल मोमेंट जीरो होगा, तो फर्स्ट इनकरेक्ट है। सेकंड में अगेन बेंजीन आ गया, क्या आ गया बेंजीन, तो ये हो गया नॉन पोलर और ये डायपोल है, दोनों डायपोल हमें देखने हैं। बिल्कुल ठीक है, तो सेकंड भी इनकरेक्ट। थर्ड में बात करें तो एसीटोन बिल्कुल डाइपोलर मॉलिक्यूल है, CH3CN ये भी मॉलिक्यूल, इट मींस डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन यहां पे एक्ट करेगा। और अगेन हम बात करें KCl + वाटर, तो KCl क्या है जब वाटर में डालेंगे तो इट विल डिसोसिएट इन आयंस, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। बिल्कुल सर, और 100% आयनाइज होगा, अल्फा 1 होगा इसका। हां, और तो वाटर की बात करें तो वाटर क्या है डाइपोल है, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या लगेगा आयन डाइपोल, हमें देखना क्या है डाइपोल डाइपोल। तो मैं थर्ड में क्या था डाइपोल डाइपोल था, फोर्थ इनकरेक्ट क्यों है बिकॉज यहाँ पे काम कर रहा है आयन डाइपोल, तो करेक्ट आंसर आपका 3 हो गया। बात करें नेक्स्ट टीम
on mixing 10 ml of acetone with 40 ml of chloroform, total volume of the solution. ये सर एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को जब आप आपस में मिक्स करते हो तो एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म जो है ये बनाता है नेगेटिव डेविएशन का. बिल्कुल नेगेटिव डेविएशन का अट्रैक्शन इनका बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लग जाएगी, इसकी वजह से इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, नेगेटिव डेविएशन होगा तो डेल्टा वी मिक्स जो आएगा वो लेस देन जीरो आना चाहिए. यह अब अगर इनको अपन बात करें तो 10 + 40 = 50 ml आना 50 ml चाहिए अगर आइडियल होता तो. अब ये नॉन आइडियल है और नेगेटिव डेविएशन का तो 50 ml से भी क्या आएगा, कम आएगा. तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट. ये अगर पॉजिटिव डेविएशन का होता तो डेल्टा वी मिक्स जो होता वो ग्रेटर देन जो आता वो क्या आता, जीरो. और आइडियल होता तो डेल्टा वी मिक्स जो होता वो किसके बराबर आ जाता, जीरो. मींस आप ऐसे याद रखें, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए नेगेटिव, आइडियल के लिए डेल्टा वी जीरो. नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन 12 की. The mole fraction of component A in vapor phase is 0.6. तो vapor phase के लिए हम स्टैंडर्ड अपना सिंबल है Y, यानी ये बात कर रहा है हम इसको मान लेते हैं कंपोनेंट A, Y. तो ये Y A की वैल्यू अपने पास है. और लिक्विड के लिए अपना सिंबल है 0.8 कह रहा है तो XA. टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी, यानी हमें डिटरमाइन करना है PT, P टोटल. If vapor pressure of pure A, 540 value किसकी है? P0A. किसकी value है? P0A. हिंदी में बात करें तो घटक A की वाष्प अवस्था में मोल भिन्न Y 0.6 है, द्रव अवस्था में XA 0.8 है और P total हमें determine करना है और P0A आपके पास है. तो देखो सिंपल सा हमें पता है रिलेशन कि YA मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर. अब देखो ये फार्मूला आया कैसे, ये डोल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर से ड्राइव करते हैं. बिल्कुल डोल्टन्स लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर. ये गैस के लिए एप्लीकेबल होता है और ये गैस के लिए अप्लाई है. तो यहां पे देखो क्लियर, यहां पे वाई ए क्या है, वेपर फेज में, इसलिए हम गैस की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो हमें यूज क्या करना है, y a इक्वल टू p a अपॉन p t. वैल्यू करना है p t, तो p t इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से p a अपॉन y. अब p a क्या होता है, p नॉट a x अकॉर्डिंग टू रोल्ट. बिल्कुल सर, तो p नॉट a x a अपॉन y a. P नोट A की वैल्यू गिवन है कितने, 540 into 0.8 upon 0.6 6 ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एक्वस सॉल्यूशन दे दिया, इसका मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो वाटर है. वाटर, बिल्कुल. वाटर जो है वो वोलेटाइल है और यहाँ पे अपन को नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है. मेरे को यहाँ पे एक चीज, अगर वाटर नहीं होता और कोई दूसरा होता सर तो इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर भी गिवन होना चाहिए था. बट वाटर के बारे में अपन वेल नोन है कि 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट अभी अपन ने डिस्कस किया था कि आउटर प्रेशर के इक्वल क्या होगा, वेपर प्रेशर वीपीओ. तो इसका मतलब वेपर प्रेशर जो होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर वो 1 atm मींस 760 mm of Hg होना चाहिए था. ये प्योर स्टेट में वाटर का वेपर प्रेशर है. बिल्कुल सर. अब आपको ये बोला 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन था तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, मींस पीएस कैलकुलेट करना है. अगर अपन राउल्ट्स लॉ अप्लाई करें, पी नॉट ए माइनस पीएस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू xb मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन. इस xb को मैं ऐसे लिख देता हूं nb अपॉन na प्लस nb, ये हो जाएगा 1 मोलर दे रखा सर. तो 1 मोलर का मतलब ये होता है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट होता है तो उसमें 1 मोल कौन होना चाहिए, सॉल्यूट, सॉल्यूट. ये आ गया सर. p नॉट a की वैल्यू दे रखी है 760 माइनस ps अपॉन 760 इक्वल टू, ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 है अपॉन 1 प्लस वाटर है तो सर 1000 ग्राम में वाटर के मोल होते हैं 55.55. ये ऑलमोस्ट, अगर मैं सर बात करता हूं ये वाली जो वैल्यू आएगी 760 माइनस पीएस, इसको मैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोल सकता हूं, ये 760 अपॉन 56
ये अप्रोक्सीमेट होता है सर, 14 के आसपास आएगा, 13 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, तो 14 mm आ जाएगा सर। बिल्कुल। अब मेरे को यहाँ से पीएस कैलकुलेट करना है, तो 760 माइनस 14 हो जाएगा 746। तो पीएस इक्वल टू हो जाएगा 760 माइनस 14 और ये वैल्यू आएगी 746 के आसपास। तो अगर ऐसा ऑप्शन देके हम, तो ऑप्शन 2 करेक्ट सर। सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन में ये कि आप इस क्वेश्चन के लिए पी नॉट ए माइनस पी एस जो आएगा वो वन मोलर सॉल्यूशन है, तो हर बार आंसर यही आएगा, चाहे आप ग्लूकोज लो चाहे यूरिया लो, कोई भी लो, 14 एमएम का डिप्रेशन सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करती नहीं है, क्वालिटी प्रॉपर्टी नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मोल्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसके ओनली अमाउंट ऑफ मोल पर डिपेंड करता है, इसलिए वो सेम ही आएगा। हां, नेक्स्ट है वही रोल डो से, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टोलुइन गिवन है, तो हम एक काम करते हैं, बेंजीन के लिए सिंबल बी ले लेते हैं, टोलुइन के लिए पी ले लेते हैं, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ, या ए भी मान लेते हैं, दिस इज पी नॉट ए एंड दिस इज पी नॉट बी, ए हम मानते हैं किसको, बेंजीन को, और बी मान लेते हैं टोलुइन को, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइडियल मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन 88 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे जो वीपी की बात कर रहा है वो 88 पे कर रहा है, अब दोनों इक्वल है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन द विल बी रेस्पेक्टिवली, हमें क्या करना है, बेंजीन की और टोलुइन की मोल फ्रैक्शन में डिटरमाइन करना है, इट करना क्या है, एक्स ए और एक्स बी कैलकुलेट करना है एंड एक्स बी कैलकुलेट करना। ये वापस क्वेश्चन का ट्रेंड उसी तरफ चला गया सर, कि बॉइलिंग पॉइंट 88 डिग्री सेल्सियस है और 88 पे ही पूछ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये हो गया कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जो होगा वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आएगा, 760 आएगा और वो 760 mm होता है। अब फार्मूला देखो, डाउट लो के अकॉर्डिंग पी टोटल क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, पी नॉट बी एक्स बी, पी नोट ए क्या है, वीपी ऑफ कंपोनेंट इन प्योर फेज, प्योर बी की प्योर स्टेट में बी कंपोनेंट की, एक्स एक्स बी क्या है, दोनों की मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा वन होता है सर, एक्स बी को अपन वन माइनस एक्स से करके करना क्या है, मोल फ्रैक्शन निकालना है सर, तो टोटल प्रेशर क्या लेंगे, 760 लेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, वही बॉइलिंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट है, तो पी टोटल आपका हो गया 760 इक्वल टू P0 एन बेंजीन का लेते हैं 800 और बेंजीन की मोल फ्रैक्शन हम एक्स ए मान लेते हैं प्लस P0 B की वैल्यू लेते हैं 400 और एक्स भी देखो आपको पता है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इन एनी सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1। बिल्कुल सर, ठीक है, यानी एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू आएगी 1, तो यहां से अगर हम एक्स बी को रिप्लेस करें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स। तो सिंपल जैसे मैथमेटिक्स है इसको हम सोल्व कर सकते हैं इजीली, 760 इक्वल टू हो रहा है 800 एक्स ए और ये आएगा माइनस का 400 एक्स ए, 400 एक्स ए प्लस आ जाएगा 400 और यहां से हम एक्स ए की वैल्यू निकालें तो बिल्कुल सर सही कह रहे हैं, 760 माइनस 400 यानी 360 और 360 अपॉन 400 की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 0.9 आ, एक्स ए 0.9 आएगा तो एक्स बी 0.1 आ जाएगा, इट मींस आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं 15 की, फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज 0.2, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है सर, आरएलवीपी पी नॉट ए माइनस पीएस अपॉन पी नॉट ए, ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और ये दे रखा अपन को 0.2। If the solution contains 5 moles in all, which of the following are true? ये बोल रहा है सर, total moles जो है वो 5 है। 5। ठीक है। अगर अपने XP को लिखे सर, तो ये हो जाएगा NP upon total moles। और total moles की value दे रखी है अपन को 5। 5। अगर ये 5 दे रखी है, तो यहाँ से NP के जो moles आएंगे वो आ जाएगा A। ये solute का mole। B will solute। हाँ। लिख देते हैं एक बार। B आपका यहाँ पे solute है। और सॉल्यूट के मोल अपने आए 1। अब ये आपसे पूछ रहा है सर, कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज 0.2, सही, बिल्कुल करेक्ट है सर, पहला स्टेटमेंट ये ट्रू है, ये बड़ा गिवन है यहां पे, तो पहला करेक्ट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज 0.2, मोल्स ऑफ सॉल्यूट सर 1 आ रहा है, सेकंड इनकरेक्ट, बिल्कुल इनकरेक्ट है, अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 आया, टोटल मोल्स 5 है, तो सॉल्वेंट के मोल आएंगे 4।
ये करेक्ट है बिल्कुल। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0.2 नहीं आएगा 0.8 आएगा और अपॉन 5 ये गलत हो गया। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट, इट मीन थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। हां सर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 16 नंबर। द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट बी, नॉन वोलेटाइल है इलेक्ट्रोलाइट बी इन ए सॉल्वेंट ए इज 95% ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट एट द सेम टेंपरेचर। If the molecular weight of the solvent is 0.3 times the molecular weight of the solute, the weight ratio of the solute and solvent, ये आपसे पूछा गया। ये बोला है कि अवाष्पशील विलेय बी युक्त विलयन का वाष्प पदार्थ जो है शुद्ध विलेय के वाष्प पदार्थ का 95% है। तो मैं एक काम करता हूँ सर, P नॉट A शुद्ध विलेय लिया, इसका वाष्प पदार्थ मैंने मान लिया 100 मान लेते हैं, तो PS जो होगा वो 95% हो जाएगा, इस मींस इट इज द 95। बिल्कुल सर, ठीक है। ये बोला है विलायक का अणुभार विलेय के अणुभार का 0.3 गुना है, इसका मतलब एम ए जो होगा वो 0.3 टाइम्स एम बी होता है। बिल्कुल, ये हो गया। अब अपन को पूछा है डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी पूछ रहा है, ठीक है सर। मैं अप्लाई कर रहा हूँ राउल्ट्स लॉ का, ये वाली फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस अप्लाई कर रहा हूँ, इट इज द एन बी अपॉन एन ए, सीधा ये हो जाए एन बी अपॉन एन ए। ये भी राउल्ट्स लॉ का सर एक फॉर्म है। बिल्कुल, NB को मैं ऐसा लिख देता हूं WB अपॉन MB, WA अपॉन MA, ठीक है सर। यहां पे वैल्यू पुट करें 100 माइनस 95, इट इज द 5 अपॉन 95। ये WB अपॉन WA अपन को कैलकुलेट करना ही है वैसे भी, और ये बन गया MA अपॉन MB, और दोनों का रेशियो हमने पास है, MA अपॉन MB 0.3 हो जाएगा। बिल्कुल, ये 0.3 हो गया, ये हो गया 1/90, ये हो गया सर 1/5.7। अब अपन को तो चाहिए एग्जैक्ट आंसर, ये 1/5.7 जो होगा सर वो 0.2 से कम होगा। बिल्कुल, 0.2 से कम एक ही ऑप्शन, 5.2 होता है। बिल्कुल, 0.2 से कम एक ही ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 17 की। Which of the following colligative properties is associated with the concentration term molarity? ये कह रहा है molarity अनुसंगी गुणधर्म जो है उसमें मोलर का काम में आती है। तो देखो पहली क्या है, lowering of vapor pressure। तो हमें सिंपल का पता है, lowering of vapor pressure डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, इसको बोलते हैं RLVP। और केवल lowering की बात करें तो किसकी बात कर रहा है, ओनली डेल्टा पी की बात कर रहा है, और ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, इट मीन इसमें मोलरिटी काम में नहीं आती। आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इनकरेक्ट है, इसमें संबंधित नहीं। सेकंड बात करें हम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू, अगर हम वॉन्टो फैक्टर लें तो वॉन्टो फैक्टर आई इंटू सी इंटू आर टी। यहाँ पे सी क्या है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन हो गई, मोलरिटी हो गई, यहाँ पे यूज हो रही है, तो आपका सेकंड क्या है करेक्ट। थर्ड की बात करें डिप्रेशन इन फ्यूजिंग पॉइंट, तो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला होता है वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई इंटू के एफ इंटू स्मॉल एम, इट मीन्स यहाँ पे काम में आती है मोलरिटी, मोलरिटी यहाँ पे काम में नहीं आ रही, ठीक है। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या आता है, डेल्टा सेम का सेम आएगा सर, सेम आएगा, यहाँ पे क्या जाएगा मोलरिटी ही आएगा, तो सेम टर्म यहाँ पे काम में आ रही है, इट मीन्स यहाँ भी मोलरता यूज में नहीं हो रही है, तो करेक्ट आंसर कौन सा है, सेकेंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन 18 की। नेक्स्ट 18 नंबर प्रॉब्लम बोल रहा है सर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर लोअरिंग caused by addition of 50 gram of sucrose to 500 gram of water if the vapor pressure of pure water at 25 degree Celsius is 23.8 mm of Hg। आपसे ये बोला सर वेपर प्रेशर में लोअरिंग की ट्यूब, इसका मतलब डेल्टा पी क्या, डेल्टा पी आपको निकालना है, डेल्टा पी जो होगा डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स, ये आएगा सर। मेरे को डेल्टा पी कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए इनटू एक्स बी हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं सर, पी नॉट ए की वैल्यू दे रखी है अपन को 23.8, और मोल फ्रैक्शन भी लिखना है मेरे को, 50 ग्राम ऑफ सुक्रोज है तो 50 / 342 / 500 / 18 इसको अब अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं सर, तो इसमें अपने पास आंसर बन जाएगा, फर्स्ट आंसर बनना चाहिए सर 0.124 के आसपास आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सारे वैल्यू रख लीजिए सर। बिल्कुल,
नेक्स्ट हम बात करते हैं 19 की, यूरिया सॉल्यूशन इज 30% वेट बाय वेट, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 30 ग्राम क्या है यूरिया। 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन बॉयल से, यानी आपको 1 m ग्लूकोज सॉल्यूशन है, मोलैलिटी 1 है और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100.52। तो हमें क्या निकालना है, यूरिया का क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो इट मींस देखो 100 से ऊपर चला गया, नहीं किसकी बात कर रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू होता है वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई इंटू के बी इंटू मोलर। तो एलिवेशन की बात करें तो क्या आएगा, 100.52 माइनस 12 वोल्ट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और डिफरेंस में आप केल्विन लो या सेल्सियस लो, बात है कि बिल्कुल सो 0.52। और हम अप्लाई करें किसके लिए, ग्लूकोज के लिए, तो ग्लूकोज के लिए क्या होगा, बॉन्ड ऑफ फैक्टर 1 होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, केबी की वैल्यू यहां पे गिवन है नहीं, और मोलैलिटी की बात करें तो 1 गिवन है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपको जो कैलकुलेट करना है किसके लिए करना है, यूरिया के लिए। तो यूरिया के लिए हम क्या मान लें, डेल्टा टी बी मान लेते हैं। यूरिया के लिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर भी क्या होगा, 1 होगा, के बी अपने पास है नहीं क्योंकि सॉल्वेंट सेम है, तो के बी सेम होगा, के बी डिपेंड ओनली एट प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। अब बात करें मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो अगर यहां से देखें हम तो 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है तो यूरिया का वेट हो गया 30 ग्राम, और 30 ग्राम में मोल कितने हो गए, वेट इन ग्राम अपॉन यूरिया का मोलर मास 60 अपॉन क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम है, सॉल्यूट 30 ग्राम है, तो सॉल्वेंट कितना बचा, 100 माइनस 30 70 ग्राम, ये ग्राम में, तो और केजी में चेंज करें 1000 से हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो सिंपल सा हमें क्या हो गया, 32 टाइम जाएगा क्या, ठीक है। तो ये आ गए आपके 50/7, यानी एप्रोक्सीमेट क्या आ गया, 7 के आसपास। और केबी पढ़ा है सर, केबी 0.5। और हम क्या करें, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं यहां से, या एक काम करते हैं 1 से केबी की वैल्यू 0.5 यहां पुट कर देते हैं, बिल्कुल। तो 0.5 बन जाएगा, 7 जो हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, एप्रोक्सीमेट 3.5, ये डेल्टा टीबी आ गया। अगर डेल्टा टीबी इतना आ गया ना, तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 100 + 3.5 103.5, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ, इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आर डिजोल्व इन इक्वल अमाउंट ऑफ टू सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट को मैं ले रहा हूं स्मॉल w से, तो स्मॉल w सेम है, यानी दो क्वेश्चन हम सेम मानेंगे, ठीक है। और इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अगर सर सॉल्यूट का अमाउंट फिक्स हुआ ना तो मोल भी फिक्स हो गया फिर, तो आगे हाँ सॉल्यूट अगर आगे सेम हो तो ऐसा होगा, और शायद हो क्वेश्चन देखो आगे पढ़ते हैं। द आरएलवीपी ऑफ द सॉल्यूशन इज ट्वाइस ऑफ बी, आरएलवीपी फॉर ए इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आरएलवीपी ऑफ बी इफ एम ए एंड एम बी आर द मोलर वेट ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट ए एंड बी, यानी यहाँ दोनों सॉल्वेंट का मोलिकुलर वेट डिफरेंट है, ठीक है। बाकी सारा मामला यहाँ पे सेम है, सॉल्यूट का अमाउंट, सॉल्यूट का मोलर मास, बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं सॉल्यूट के, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मोल सेम रहे, मोल सेम रहे, ठीक है। तो आर एल वीपी क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू होता है एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, फॉर ए इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन बी, ठीक है। अब x a क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, देखो दोनों में n मान ले, अपॉन टोटल मोल्स क्या होंगे, यहाँ पे सॉल्यूएंट का जो वेट है, वेट सेम है, तो उसको मानता हूँ कैपिटल W, अपॉन लेता हूँ मैं m a लेता हूँ, m a क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ a सॉल्यूशन a, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट के मोल सेम है, अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस ये अमाउंट सेम है m b। अब देखो जनरली जो क्वेश्चन फेम होते हो किसके लिए होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूट के लिए, तो जब डाइल्यूट होगा तो सॉल्यूट क्या होगा, बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इस एन को हम क्या करते हैं, नेगलिजिबल कर देते हैं, और सिंपल एन क्या होगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, देखो एम ए ऊपर आएगा अपॉन डब्ल्यू, डब्ल्यू इक्वल टू यहाँ टू है, टू एम बी, टू एम बी हो जाएगा अपॉन अपॉन W, और ये कैंसिल हो गया, डिवाइस MA इक्वल टू 2MBS, ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है, ठीक है सर।
ये अपनी गुरु नीति सॉल्यूशन फर्स्ट था जिसमें अपन ने बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म्स और ऑलिगेटिव प्रॉपर्टी और वेपर प्रेशर देखा है की बात की हमने। नेक्स्ट गुरु नीति में सॉल्यूशन सेकंड में अपन बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की, ऑस्मोटिक प्रेशर और वन ऑफ फैक्टर्स रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे एबनॉर्मल ऑलिगेटिव। बिल्कुल, याद तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक में गुरु नीति के। ओके, थैंक यू।